राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 94 स्थापना दिवस एवं विजय दशमी के अवसर पर होने वाला शस्त्र पूजन कार्यक्रम ज्वालामुखी में संपन्न हुआ, जिसमें विभाग संचालक अशोक शर्मा, जिला संचालक रंजीत चौहान, प्रांत शारीरिक प्रमुख मनोज कुमार उपस्थित रहे। इन्होंने इस अवसर पर पूरे शहर की परिक्रमा भी ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 94 स्थापना दिवस एवं विजय दशमी के अवसर पर होने वाला शस्त्र पूजन कार्यक्रम ज्वालामुखी में संपन्न हुआ, जिसमें विभाग संचालक अशोक शर्मा, जिला संचालक रंजीत चौहान, प्रांत शारीरिक प्रमुख मनोज कुमार उपस्थित रहे। इन्होंने इस अवसर पर पूरे शहर की परिक्रमा भी ली। मनोज कुमार ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए संघ की वर्तमान समाज में भूमिका का वर्णन किया और कहा कि स्वयं सेवक देशभक्ति के वातावरण में तैयार होकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं और समाज का भला करने की सामूहिक सोच रखते हैं। इस अवसर पर जिला के प्रत्येक स्थान के स्वयं सेवक उपस्थित रहे और पथ संचलन के रूप में पूरे ज्वालामुखी नगर का भ्रमण गणवेश सहित किया। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देहरा जिला द्वारा ज्वालामुखी नगर में जो है पथ संचलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। संघ की जो स्थापना है वो विजय दशमी के दिन 1925 में जो है नागपुर में हुई थी। तब से जो हर वर्ष देश के लगभग हर कोने में हर जिला केंद्र पर जो है पथ संचलन का इस प्रकार विजय दशमी के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में भी देहरा जिला में जो ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में जो 200 से ज्यादा स्वयंसेवक जो पूरे अपने पूर्ण गणवेश में पूरे जो संघ की ड्रेस होती है अपने दंड सीख के जो है इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जो हमारे विभाग के कांगड़ा विभाग के माननीय विभाग संचालक अशोक जी, देहरा के माननीय जीत चौहान जी और हमारे प्रांत के शारीरिक प्रमुख मनोज जी जो मुख्य रूप से उपस्थित हैं। और इसी कड़ी में आज ज्वालामुखी नगर की एक पूरी परिक्रमा जो है संघ का एक मार्च निकलेगा और उसके बाद यही संघ का जो कार्यक्रम समाप्त होगा।